नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस लाइन के नजदीक मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने एक प्रवासी का लूटा फोन, युवक ने हिम्मत कर लुटेरों को दबोचा। अमृतसर के गुरु बाजार में 3 मंजिला बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा भारी बारिश की वजह से गिरा, 2 राहगीर बाल बाल बचे। जल स्रोत मंत्री मीथियर ने संगरूर के मुनक में घग्गर नदी पर पहुंचकर सुरक्षा प्रबंधों का लिया जायजा, नदी की सफाई और प्रशासन की तरफ से लगाए गए बांधों को किया चेक। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर में बेरोजगारी और नशे की लत के कारण नौजवान चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये लोग पुलिस से नहीं डरते, यहाँ तक कि ये लोग सड़कों और बाजारों में लगे सीसीटीवी कैमरों से भी नहीं डरते। ऐसा ही एक मामला सामने आया है थाना सिविल लाइन के अंतर्गत आती पुलिस लाइन के पास, जहाँ एक प्रवासी युवा पैदल अपने फोन पर बात कर रहा था कि तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उसका मोबाइल छीन लिया, लेकिन उक्त युवक ने हिम्मत नहीं हारी और उसने मोटरसाइकिल सवार लुटेरों में से एक को पीछे से पकड़ लिया। लुटेरों ने मोटरसाइकिल भगाने की कोशिश की, लेकिन युवक ने इन लुटेरों को मोटरसाइकिल सहित नीचे गिरा दिया। इसी दौरान राहगीर भी आ गए और दोनों लुटेरों को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस दोनों युवकों को अपने साथ थाना ले गई और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी, अरे डिस्ट्रिक्ट बरेली। क्या हुआ? जी, मैंने बात करती हूँ, मैंने पेशेंट हॉस्पिटल में था, वो क्या कहता है, मैंने बात करते आ रहा तो वो आया पीछे से, मैंने मोबाइल लेके चला गया। जी हाँ, पैदल चल रहा मैनू। हाँ जी, ओके कहते हैं तो मैंने इन्हें पीछे पकड़ लिया कि तो पकड़ने का की कहते, मैंने यहाँ पे गिरा लिया इन्हों को, तो फोन छीन लिया, तो इतना वो लफड़ा हो गया कि इनके पास हथियार वगैरह था। जी, हथियार था इनके पास? नहीं, हथियार तो हाँ जी, भागने लगे थे। जी, मैंने पीछे से टेडिया पकड़ लिया इन्हें, पीछे वाले को। हाँ जी, मोटरसाइकिल गिरा दिया। मोटरसाइकिल यहाँ पे वहाँ पे पकड़े तो कड़े थे, और मैंने यहाँ पे गिरा लिया, चौथे गियर में डाले थे मोटरसाइकिल। हाँ जी, बाकी लोग आ गए। हाँ, बाकी लोग आ गए, भैया सब्जी वाले आ गए, उन्होंने मेरी हेल्प की थी। कितना रहना है? डालम। हाँ, यहाँ पे आओ, आम के पेड़ पास। डालम डालम क्लियर तो काम कर रहे हैं, क्लियर तो काम कर देते हैं। अच्छा, डिलीवरी की लोड चाहिए थी भाई? नशा नहीं करता? नहीं भाई, नशा तो नहीं करता। और की लोड चाहिए? मैं काम कर रहा हूं भाई, मैं काम कर रहा हूं। की काम कर रहा है यहां भाई? पहले बार जाता की थी? नहीं भाई। आ मोटरसाइकिल कितना अपना भाई? नंबर प्लेट कितनी भाई? नंबर आया नहीं भाई, मोबाइल खोया विशाल जी का, विशाल ने मतलब फड़ लिया वा, तगड़े हो गए, मुड़ के आस पास दो चार लोग मेरी हेल्प की, मौके से फड़े गए। विशाल जी का बयान लिख के जो बनती कानूनी कार्रवाई को फिलहाल खो किता मोबाइल है वो मिल गया वा, तो अं जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कोई दो एक मुंडा दलम का रहन वाला जी, दूसरा नवे पाती जी। नहीं मने, मुरली पुछगिछ तो नहीं दसा कुछ भी, कहते पहली बार ही है, पर ਡੁਗਾਈ ਨਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਡੁਗਾਈ ਨਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ, ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ ਮੌਕੇ। अमृतसर में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज बारिश के कारण लोगों का बुरा हाल हो गया है। जहां इस बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं भारी बारिश के कारण शहर की खस्ता हाल बिल्डिंगों के गिरने का डर भी बना हुआ है, जिसके चलते सुबह से हो रही बारिश के कारण गुरु बाजार के नजदीक हनुमान जी मंदिर है, उसके पास 3 मंजिला बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा गिर गया। इस दौरान लोगों का कहना है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी और खस्ता हालत में है। इस बारे में नगर निगम के अधिकारियों को भी बताया गया है, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग का मालिक इसकी मुरम्मत
मरम्मत तक नहीं करवा रहा, जिस कारण बिल्डिंग खस्ता हाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गनीमत यह रही कि जब बिल्डिंग का हिस्सा गिरा तो उससे कुछ सेकंड पहले ही 3 लोग वहां से उठकर गए थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए उन्होंने मांग की है कि इस बिल्डिंग की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बाजार कसेरिया डूंगा हनुमान मंदिर को नौकर आते दुकान के उत्ते तो दुकान बंद हुई थरे से बैठे होंगे ने आके। अगर ये नौकर 5 मिनट भी पहले आके बैठे होंगे बल्कि बड़ा मुश्किल भारी बचा ही होया जी उन्होंने उन्होंने आन तो 5 मिनट उन्होंने आज बकाया रह गया है तो बिल्डिंग धरम गाड़ी थले डिग पई है और तीनों बंदे बाल बाल बच गए ना यह जी बरसात के कारण डिगदी पई है। मालक का मालक कोई ख्याल नहीं करते बिल्डिंग का किन्ने साल पुरानी है कि कुछ इटा अगे आ गई हैं देखो उपर की हाल की है इन्होंने चाहिए यदा अभी सब कहने पे हैं कि जिन्या जर्जर इमारत आई हैं वह अगर ख्याल करो देखो उन्हों का जे कोई है इन तो साफ क्लीयर किया जाए कल कोई जानी वाली नुकसान होया तो कौन जिम्मेवार होगा। इसका बिल्डिंग को बाहर में तो कोई स्पॉट नहीं है, पहले शुरू से ही पुल में तो पुल में स्पॉट नहीं है, नीचे से पता नहीं लगता। तो मिस्त्री को मैं 2-3 दिन से बुला रहा हूँ ठीक करने के लिए, मिस्त्री बारिश के कारण कहते नहीं होगा, अभी बारिश होगा रुकेगा फिर ही ठीक होगा। हम तो दुकान के अंदर है, पता नहीं लगा ना जे ऐसा होगा, पहले से मिस्त्री को बोल रहे हैं ठीक कराना है। मिस्त्री को मैं 3 दिन से फोन कर रहा हूँ, मिस्त्री कहता है बरसात आ रही है, बारिश आ रही है, कोई अभी नहीं हो जाए तो कौन जिम्मेवार है? पीछे ठीक कराया थोड़ा बहुत, फिर मिस्त्री भी नहीं आंदे, मिस्त्री नहीं आ रहा है ना बारिश के कारण नहीं आ रहा। अभी नहीं हो जाए कोई नीचे कोई आ जाता है तो कौन जिम्मेवार है? अभी वो मालिक होगा, मालिक पहले पुराना हम तो किरायादार है, पुराना मकान है इसको हमने रिपेयर किया अपना दुकान। कितनी देर होगी यहाँ पर काम करते हैं आपको? हमारे को 30-35 साल हो गया। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। इसी संदर्भ में जल स्रोत मंत्री मीथेर ने संगरूर के मुनक में घग्गर नदी पर पहुंचकर वहां के सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। मंत्री मीथेर ने घग्गर नदी की सफाई और प्रशासन की तरफ से लगाए गए बांधों को चेक किया। संगरूर जिला के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल ने खुद जल स्रोत मंत्री मीथेर को हर तरह के खतरे का सामना करने के लिए किए गए प्रशासन के सभी प्रबंधों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घग्गर नदी में पानी का लेवल 728.4 फीट चल रहा है, जबकि 750 फीट खतरे का लेवल है। गौरतलब रहे कि पहाड़ी इलाकों के साथ साथ पंजाब के दोआबा और माछा के इलाकों में भारी बारिश पड़ रही है और उस बारिश का पानी 10 और 11 जुलाई तक संगरूर में घग्गर नदी में पहुंचने की संभावना है। तो वहीं मौके का जायजा लेने पहुंचे जल स्रोत मंत्री मीथेर ने कहा कि उनकी तरफ से हर तरीके से घग्गर नदी के सभी बांध पक्के किए गए हैं और सफाई भी पूरी सही तरीके से करवाई गई है ताकि किसी भी तरीके से घग्गर ना टूटे और किसी भी किसान या नजदीकी गांव का कोई भी नुकसान ना हो पाए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। लेके क्योंकि पिछे बारिशां पहाड़ों च भी बहुत हुई ने ते पंजाब च भी लगातार मीह पै रहे हैं, सो इस करके जो अलर्ट है वो जारी होगा। तो क्योंकि सानू पता है क्योंकि जिते अज असी खड़े हैं घग्गर के, क्योंकि इतने पहला भी जोड़ा कई बार घग्गर की जिते ब्रीच हो जाती है जोड़ा फसलों का नुकसान होंगे, सो इस लैके पहला भी असी पुख्ता प्रबंध जोड़े है हूँ तक किए हुए हैं गे। सो अज भी असी मैं तो साढ़े जोड़े डीसी साहब तो होर सारा जोड़ा साढ़े ऑफिसर ने यदा जायजा लैन लिए इतने पहुँचे हाँ। तो पिछे भी मोहाली पटियाले जिथे जिथे भी मतलब कि घग्गर लंघता है उत्थे भी जोड़े पुख्ता प्रबंध ने जोड़े अरेजमेंट ने जोड़े है वो किए गए हैं गे। तो इस तो अलावा भी पूरे पंजाब दे विच जिहड़े साढ़े जल स्रोत महकमे के जिन्हें अफसर साहबान ने उन्होंने भी असी लगातार ड्यूटी लगाई हुई है, वो फील्ड जाके लगातार जिहड़ा निगरानी कर रहे हैं भी कितों ब्रीच तो नहीं हो रही जां कितें कोई जिन्हें भी सेंसिटिव एरिए है भी कितें कोई खतरे वाली गल तो नहीं। सो लगातार वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार इन टच ने, तो असी लोगों को मैं थोड़े सारे जरिए अपील करता भी कितने भी कोई इदा की थोनों सिचुएशन लगती है कितने थोनों लगता भी इतों ब्रीच हो सकती है तो तुम साढ़े महकमे ध्यान च लियाओ, तुम जोड़े लोकल डीसी ने अफसर साहबान ने उन्होंने ध्यान च लियाओ, असी जो अपना कंट्रोल रूम बकायदा जो स्थापित है जोड़ा वो किया
ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਹਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ भारत में सबसे भरोसेमंद स्मार्टफोन सेवा प्रदाता रियलमी ने अपने नवीनतम फ्लैगशिप रियलमी नार्जो 65G और रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 लॉन्च किया। इस अवसर पर रियलमी कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर बाबू कौशल ने कहा कि ये सिर्फ अमेजोन व realme.com में ही उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वे उन ग्राहकों की ओर देखते हैं जो काम करते हैं। उनका मानना है कि उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का विस्तृत चयन प्रदान करना उस प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और Realme Narzo 60 सीरीज 5G के लॉन्च के साथ Amazon पर लोकप्रिय Realme Narzo सीरीज के बढ़ते पोर्टफोलियो में जोड़ रहे हैं। वे इन डिवाइसों को लॉन्च करने के लिए उत्साहित हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं Realme इंडिया में प्रोडक्ट मैनेजर हूं। आज हम लोगों ने लॉन्च किए हैं 3 अलग अलग प्रोडक्ट जो कि Narzo सीरीज के अंदर आते हैं, 2 फोन और 1 नेक बैंड। तो जो फोन है उसका नाम है Narzo 60 प्रो 5G और Narzo 65G। साथ ही साथ हमने एक नेक बैंड भी यूज किया है जो कि है वायरलेस बड्स वायरलेस 3। तो Narzo 60 Pro 5G वो की एक प्रीमियम सेगमेंट का फोन है जिसमें अगर कुछ बात करो तो डिजाइन एलिमेंट जो है वो वीगन लेदर डिजाइन के साथ आता है। मंगल ग्रह के डिजाइन को देखते हुए हम लोगों ने इंस्पिरेशन ली है जो कि आज तक की मैं कहूंगा सेफेस्ट डिस्प्ले के साथ आता है जो कि हार्डवेयर लेवल पे हम लोगों ने ऐसा काम किया है। अगर आप फोन को घंटों यूज करेंगे तो आपकी आंखों पे कोई भी स्ट्रेन या कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। साथ ही साथ इंडिया का पहला फोन होने वाला है जो कि 1 TB की स्टोरेज में आएगा उस प्राइस पॉइंट पे। आज तक कोई भी फोन इस प्राइस पॉइंट पे 1 TB की स्टोरेज के साथ नहीं आएगा। साथ ही साथ इसमें 5G का चिपसेट है जो कि डुअल सिम फंक्शनैलिटी के साथ आता है। आप दोनों सिम में 5G का मजा उठा सकते हैं। जो कि दूसरा फोन है हमारा Narzo 65G वो भी सेम डिजाइन के साथ आता है जो कि थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली है येट प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है जिसमें आपको 90 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 6.4 इंच डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी विद फास्ट चार्ज जो कि आधे घंटे से कम टाइम में 0 से 50% हो जाती है। साथ ही साथ हमने एक वायरलेस 3 नेक बैंड लॉन्च किया है जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया है उन लोगों के लिए जिनको गाने सुनने में बेस बहुत ज्यादा पसंद है, लाउड नॉइज बहुत अच्छी लगती है। तो उसका जो ड्राइवर है वो स्पेसिफिकली बनाए कि वो बहुत बेस बनाए, एक थंपिंग बेस आपको मिले। साथ ही साथ उसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और एक ऐसा फीचर है जिसको मैं बोलता हूँ 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो। उसको आप ऑन करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो आवाज है वो आपको चारों तरफ से सुनाई देगी। बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के चलते रुकी हुई थी और अमरनाथ यात्रियों का जत्था जो कि 6 जुलाई को लखनपुर पहुंचा है जहां पर यात्रियों की KYC रजिस्ट्रेशन की जाती है। इसके बिना यात्रियों के जत्थे को आगे नहीं जाने दिया जाता जिसके बाद यात्रियों का जो जत्था जम्मू पहुंचता है जहां पर एक बार फिर से सभी यात्रियों की रजिस्ट्रेशन को रीचेक किया जाता है जिसके बाद अमरनाथ यात्री आगे की यात्रा के लिए रामवन के लिए रवाना होते हैं जहां पर चंद्रकोट क्षेत्र के रामवन में यात्रियों के ठहराव के लिए बहुत ही सुंदर कैंपेनिंग की हुई है जहां पर सभी यात्री विश्राम हेतु रुके हुए हैं जहां से यात्रियों का ये जत्था अगले पड़ाव के लिए रवाना होगा। इस दौरान अमरनाथ यात्रियों में खूब उत्साह देखने को मिला। यात्री बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। जालंधर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण हर तरफ पानी ही पानी है। इसी के चलते गांधी कैंप में पानी की निकासी ना होने और सीवरेज जाम होने से सड़कों पर पानी भर गया। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी भर गया जिस कारण कई लोग अपने घरों से बाल्टियां लेकर पानी निकालते दिखे। इलाके में पानी भर जाने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की अपील की है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बरसात है इतने ही देख लो कि बरसात तो कड़ी माड़ी आज हो ही है इतने 24 घंटे सीवर च पानी बाहर आता। ये सीवर कहते पे आ एक घटो घट के 30-35 साल हो गए सीवर पे छोटे उस निकास है निगा पानी का जिसे कारण बंद रहा है। सीवर ही बंद निकल सीवर हूँ देख तो भी देख दे नहीं कोई आंदा जाता सारिया देखो कंधा सारिया मकाना नहीं बैठिया इधर कोई बढ़ता नहीं लोग मकान बेचन दे लाए इतने कोई बढ़ता किराएदार आता ही नहीं किसी बलो किसी आंदा नहीं रिश्तेदार नहीं आता किराएदार नहीं आता इतने लोग मकान बेचन फिरते पे है की करना।
शिव शक्ति नौजवान सभा जालंधर की ओर से 15वीं वार्षिक श्री अमरनाथ बस यात्रा के उपलक्ष्य में शिव विवाह का आयोजन 40 राजन नगर लेदर कॉम्प्लेक्स रोड में श्रद्धा पूर्वक किया गया, जिसमें शिव जंगमों ने शिव महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जबकि राजू मखीजा, प्रदीप खुल्लर, राजीव खन्ना, विंकल बिल्ला, राजकुमार भगत, पप्पू खन्ना, पार्षद लखबीर सिंह बाजवा ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सभा के सदस्यों की ओर से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को सिरोपा और स्मृति चिन्ह देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सुदेश भगत, कमल कश्यप, सुनील मिट्ठू, गुलशन कुमार, आजाद कुमार, अनिल आनंद, नवीन भगत, मदन सिंह सहित असंख्य शिव भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। अमरनाथ की पवित्र गुफा में हम तुम्हें अमर कथा का पाठ अवश्य सुनाएंगे। माता पार्वती भगवान शिव के आगे अपना शीश झुका देती है और भगवान शिव अपना भस्म कंगन निकालते हैं, माता पार्वती को मंत्र कह के भस्म कर देते हैं, शीश तोड़ते हैं, अपनी माला में डाल लेते हैं, अपने भक्तों के लिए एक मुंडों की माला तैयार कर लेते हैं। वहां पर भगवान शिव माता पार्वती का जन्म कहाँ पर रखते हैं? शुद्ध मंगल की रात दिन त्रयोदशी श्रावण महीने प्रातः 4 बजे नगर चंदी शहर में राजा हिमाचल के घर में माता पार्वती का जन्म हो जाता है। बोली श्री शंकर भगवान की, हे सतिया जोता वाले माता बड़ी सराही आश्रम कोट सदी काला सिंघा रोड में साध्वी स्वामी शिवा भारती की अध्यक्षता में गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत सुबह पूजन व हवन यज्ञ के साथ हुई, जिसके बाद पंडित सचिन शास्त्री छोटी काशी होशियारपुर वालों ने सत्संग संकीर्तन के माध्यम से सभी भक्तों का मार्गदर्शन किया, जिसके बाद आए हुए संगत ने अपने गुरु साध्वी स्वामी शिवा भारती के मस्तक पर तिलक कर पूजा अर्चना की। गुरु पूर्णिमा समारोह में सांसद सुशील लिंकू, आप नेता सनी अंगुराल, सुभाष गोरिया, लकी मल्होत्रा, देवेंद्र अरोड़ा, अमनप्रीत सिंह गोल्डी, मदन लाल, निद्रेश काला, विवेक केशव, अनुज, अमरदीप कुंद्रा, रमन, शिव मंदिर पृथ्वी नगर के महंत अशोक शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर साध्वी स्वामी शिवा भारती ने कहा कि सत्संग का अर्थ सच का साथ होता है। उन्होंने कहा कि भले सच का रास्ता मुश्किल होता है, फिर भी इस रास्ते पर चलने वाले व्यक्तियों को परमात्मा खुद बल व बुद्धि बख्शता है। समारोह में सभी आए हुए भक्तों को साध्वी शिवा भारती, विशाल भारती, राधिका भारती, आनंदी भारती, स्नेहिल भारती ने सम्मानित किया। समारोह के बाद विशाल भंडारा भी लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। I'm
शबरी ने 13 दिन की शबरी, 13 साल की शबरी, और उसने नामदान पर मंत्र लिया 13 दिन गुरु जी। कितने दिन? 13 साल की शबरी गुरु मंत्र लिया, गुरु बनाए और 13 दिन जिए गुरु। और कोई होता छोड़ के चला जाता, ये तो चले गए हैं। अब शबरी को गुरु बोले, सुन मुझे दर्शन नहीं हुए, पर शबरी इस कुटिया को छोड़ के मत जाना, इस कुटिया में तेरे राम आए, इस कुटिया में मेरे राम जी ने आना है। अगर हमारे तुम्हारे जैसा होता ना कोई, ले तुसी अन्य बुड्ढे हो गए, आए नहीं, उन्होंने कितने आना, मैं जा रही कुटिया छोड़कर। पर शबरी ने कुटिया नहीं छोड़ी, पकड़ लिया उस वचनों को, विश्वास कर लिया वचनों पर, मेरे नाम भी आना है। आज वो दिन आ गया जिस दिन राम जी आए, शबरी तो भाव विभोर हो गई, ज्ञान ही नहीं है, बेहोश होकर गिर गई, बेहोश होकर गिर गई। संतों ने कहा, अरे शबरी उठ, के शबरी होश में आओ, तेरे घर राम आए। श्यामल श्रद्धा के नाम सुनाया जा रहा है, और मैं समझना कि यह साढ़े भारत वर्ष की खासियत है कि सानू विरासत के विच साढ़े पूर्वजां ने बहुत अच्छे अच्छे रस्म, बहुत अच्छे अच्छे जिहड़े त्यौहार है, बड़े अच्छे अच्छे दिन ने सानू दित्ते। गुरु पूर्णिमा, उस गुरु का पूजन करना जिस गुरु ने तुहानू इस दुनिया के विच पार उतारे का रस्ता दिखाना, इस दुनिया के विच रब के नाल, उस परमात्मा के नाल, भगवान के नाल जुड़न का रस्ता दिखाना, अज उस गुरु की पूजा करन का, उस गुरु को नमन करन का जिहड़ा दिन है। और बड़ी वड्डी तादाद के विच साडियां भैणां साडे वीर अज स्वामी जी ने अपने गुरु स्वरूप अज जिहड़ियां भेटा प्यार स्वरूप जो बिल्कुल भेटा गुरु के चरणों के अच्छे भेट कर आया, उन्हों का सत्कार करने आया, ताकि साडा गुरु है जिहड़ा सारा साल साडे लई उस परम पिता परमात्मा दे नाल सानू जोड़ी रखे। तो बड़े अच्छे त्यौहार है जिहड़े साडे पूर्वजां ने सानू दित्ते है। तो स्वामी शिवा भारती जी जिन्होंने हमेशा सच की गल की है, सच्चाई की गल की है, और बड़े डट के अपने विचार है जोड़े मजबूती के नाल अपने विचार हमेशा रखे है, और इन विचार करके इन्हों का जोड़ा नाम है दूर दूर तक बड़ी ख्याति है। जिते जिते भी सत्संग करके आते हैं,
प्रवचन करके आते हैं तो संगत है जी इन्होंने विचार हमेशा कायल रहती है। हजरत बाबा शेखू शाह पीर जी का वार्षिक मेला खोदिया मोहल्ला जालंधर में बड़ी ही धूमधाम एवं श्रद्धा पूर्वक से मुख्य सेवादार साई सुरेंद्र छिंदा की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसके चलते महफिले कवालियों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कवाल सर्वजीत रिंकू सहगल एंड पार्टी विजय सहगल एंड पार्टी ने अपनी कवालियों के माध्यम से बाबा जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर जतिन परमपाल सिंह खैराती लाल सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर। फिर अमृतसर पुलिस लाइन के नजदीक मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने एक प्रवासी का लूटा फोन, युवक ने हिम्मत कर लुटेरों को दबोचा। अमृतसर के गुरु बाजार में तीन मंजिला बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा भारी बारिश की वजह से गिरा, दो राहगीर बाल बाल बचे। जल स्रोत मंत्री मीथेयर ने संगरूर के मुनक में घग्गर नदी पर पहुंचकर सुरक्षा प्रबंधों का लिया जायजा, नदी की सफाई और प्रशासन की तरफ से लगाए गए बांधों को किया चेक। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।